OMG, ये तो स्प्राउट होने लग गया यार। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, प्लीज लौटा दो यार। चैन नहीं मिला तो भी चलेगा, कम से कम नींद तो लौटा दो यार। सक्सेसफुली मुझे नींद लग गई। ठीक है, मैं दोपहर को उठा हूँ, ब्रश वश एंड ऑल हो गया अभी सब भी। हेलो, हाँ ट्रायल टू थिंग्स आई लाइक द मोस्ट। वन चाय, टू सेम चाय, थ्री ऑल्सो चाय, डॉट 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 इन्फिनिटी चाय। दिस इज हाउ वी मेक टी। ओके, सबके अलग अलग तरीके हैं, बस चाय होना चाहिए इम्पोर्टेंट। चाय ठंडी हो गई। ग्लास का साइज देखो भाई। ഇത്രയും പൊക്കം വെച്ച് പേപ്പർ സ്പ്രൗട്ട് ഹോനെ ലഗ് ഗയാ യാർ। Wow! If you want to know the process, please continue watching the video. Please do. केला खाने का नया तरीका। घर पे पकाया क्या पापा इसको? ऐसा दिख रहा है घर पे पकाया। ഏത് സാറ്? എടാ ആ പഴയ ജോസഫ് സാറില്ലേ, എടാ അയാളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിന്? എന്നിട്ട് അയത പോലത്തെ ഫുട്ബോളിനെയൊക്കെ പറ്റി. എന്നിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. നീ സമ്മതിച്ചോളം തരി പൊന്നെന്തിനാ തനി തഞ്ചാവൂർ പട്ടെന്തിനാ തങ്കം തെളിയണ പാട്ട് തിളങ്ങണ ചന്ദൻ നിനക്കാടി അല്ല എനിക്ക് നോന്ന് പറഞ്ഞാൻ തോന്നില്ലടാ. അതെന്താ അപ്പന്റെ കുഴിമാടാ? അതായിരുന്നെങ്കി ഞാൻ നോ പറഞ്ഞേനെ. ഇത് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ ബാറില ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത തെണ്ടി. എനിക്ക് നിന്നോട് അറപ്പ് തോന്നുന്നു. നീ പോയി മൂജിക്കടാ. That was some funny moments at my house. ये सब करते रहने का यार। घर पे जब हंसी मजाक खुशी चलते रहते तब अपने को भी खुश होते, लोग भी खुश होते, तो ये सब करते रहने का। मम्मी मम्मी ये तेरा बता नहीं यार कैसे किया भाई, ये तो बहुत सही है बे। ये तो कुछ नया सीखा मैं। किधर जा रहे? बाहर जा रहे क्या तुम लोग? अभी बाहर मास्क वास्क लगा के जाना, ठीक है? ये कैसे किया ये ना, इसके बाद ऐसा बोलेगा ना, ऐसा बोलेगा वीडियो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये ट्रे लेने का, ट्रे का अंदर पेपर को फाड़ फाड़ के भिगो के उसका अंदर लगाने का। और इसके बाद स्प्राउट किया हुआ मूंग मेथी कुछ भी होगा उसको उसमें स्प्रेड कर देने का। फिर डेली 3 बार उसमें स्प्रे करने का। कैसे स्प्रे करने का? क्या है? पानी का स्प्रे करने का। अरे बाप रे, ये भी बना के रखा है। ये देखो लाइसोल का काली डब्बा लेने का, उसमें होल गिराने का, उसके बाद पानी भर के। मम्मी एक काम करो, मम्मी वीडियो बनाना चालू कर दे। बहुत अच्छा बोलते रहे मम्मी। मम्मी और पापा तुम लोग दोनों चालू कर दो कुछ ना कुछ ऐसा बनाना। वेस्ट बास्केट जैसे होगा वो भी वेस्ट मत करो, ऐसा ले लो पेपर लगाओ उसके अंदर। मम्मी मेरे को ऐसा लगता है ना, प्रोसेस में अच्छे से समझा देते। Take an empty box, ऐसे एक बॉक्स लेने के। इतना गंदा क्यों मम्मी? वो
धोने का जरूरत नहीं ना, वो खाने हाँ चलेगा, उसके अंदर उगाना है ना, जितना गंदा रहेगा उतना अच्छा रहेगा क्या, ऐसा कुछ है क्या? तो इसके बाद पेपर को ऐसा पानी में भिगो और फिर इसके अंदर ऐसा लगाओ एक एक करके। इसके बाद सिर्फ ऐसा स्प्रिंकल कर देने का, उसको एक के ऊपर एक नहीं करना है, सब थोड़ा सेपरेट रहना चाहिए बस। दिस इज द फाइनल प्रोसेस। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपके बालकनी या विंडो में इसको रखो ऐसे, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा और ये स्टेज पे आ जाएगा और ये वाले स्टेज पे ऐसे आएगा और फिर जो फाइनल स्टेज है वो तो आपको मैंने दिखाई दिया है। सो दिस इज ऑलमोस्ट द फाइनल स्टेज। आप अगर पूछोगे इसका क्या यूज करना है तो इसको आप सैलेड्स में डाल सकते हो, सैलेड में डाल सकते हैं, थोड़ा भाजी टाइप बनाते हैं उसका ऊपर डाल सकते हैं। सो दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल, पूरा अक्का लेके खा सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ मट्टी नहीं है, तो धोना पड़ता होगा ना, बस धोना भी पड़ेगा। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक देते हैं ना, घर पे उगाया है ना, उसमें केमिकल कुछ नहीं है, इसमें वो आटा गूंथते हैं ना चपाती के लिए, उसमें बारीक काट के लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा तड़का लगाने में डाल सकते हैं। तड़का भी लगाते हैं कुछ भी, तड़का कैसे लगाएगा? 1 वीक तक देखने के बाद कट करना, पीछे पीछे लगाते रहेगा तो अपने को घर पे कंटिन्यूस पत्ता भाजी मिलते रहेगा। मम्मी जा रही है अभी कुछ टमाटर या भाजी खरीदने, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया। गर्मी का रीज़न यह है कि फ़ैन डालूंगा तो ऑडियो कट होगा, इसके लिए मैंने फ़ैन नहीं डाला। आजकल सब लोग घर पे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये एक पार्ट बन सकता है, तुम अच्छा कुछ खा सकते हो घर पे ही बना के स्प्राउट्स डाल के। क्या करने का, किसको बोल रहे? मेरी मम्मी मेरे ऊपर वाले फ्लोर को बोल रही है कि वो जो सब पत्रा जैसा लगाया है बालकनी के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दो क्योंकि बहुत कचरा जमा हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यस, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लॉकडाउन है तो घर पे बैठे हो तो ये एक्टिविटी भी एक बार करके देख लीजिए, अगर आपने नहीं किया होगा तो, और अगर किया होगा तो कुछ नहीं, बस वीडियो आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोग देख पाए। यस, सो दैट्स इट, स्टे होम फर्स्ट थिंग। मेरे मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब अब भी बाहर नहीं निकलो। स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, लव योर पेरेंट्स फर्स्ट, लव ऑल, लव यू ऑल, बाय। नहीं समझ गया।